हर हर गंगे हर हर महादेव। तो आज है चौथा दिन और अभी हम गौमुख से वापसी कर रहे हैं गंगोत्री के लिए। ये हमारे साइड में गंगा नदी चल रही है साथ के साथ। कल शाम को वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। 6 बजे वापसी की थी हमने गौमुख से, क्योंकि भोजवासा से गौमुख का जो रास्ता है वो रास्ता नहीं है, वो पहाड़ है, पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। और आज गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री जाके देखते हैं, टाइम बचा तो ड्राइव करेंगे थोड़ा, बाबा केदार की तरफ चलेंगे और ज़्यादा थकान हुई तो वहीं गंगोत्री में ही रुकेंगे। फिर उसके बाद कल जो है चलेंगे हम केदार की तरफ। बाकी देखते हैं, अभी पहले ट्रैक को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद गंगोत्री पहुँचते हैं और फिर देखते हैं कि स्टे करना है कि आगे चलना है। और ये हमारे सामने हैं, देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं, लेकिन कच्चे पहाड़ हैं। जितने सुंदर लग रहे हैं उतने खतरनाक भी, कभी भी गिर जाते हैं। बरसात में तो बहुत ही बुरा हाल होता है यहाँ पर। भोजवासा से हम 5 बजे चले थे और 1.25 घंटे लगे हमें चीड़वासा आने में। यहाँ 10 मिनट रेस्ट करेंगे। युद्धवीर भी यहीं रुका हुआ है कल का, क्योंकि उसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने बोला तू यहीं रुक जा भाई, हम कल आ जाएंगे दर्शन करके गौमुख के। तो बस अभी पहुँच गए चीड़वासा, हम उससे मिल के 10 मिनट रेस्ट करके फिर निकलते गंगोत्री के लिए। अब चीड़वासा से गंगोत्री का जो रास्ता है वो काफ़ी ईजी है। अगर हम ट्रैक को बांटें, जैसे गंगोत्री से अगर चीड़वासा आए तो वो ईजी ट्रैक है, और अपना चीड़वासा से भोजवासा अगर जाते हैं तो वो ईजी टू मॉडरेट है। और भैया उसको तो मॉडरेट से भी ऊपर ही लेके चलो, जो भोजवासा से गौमुख का ट्रैक है। तो बस अभी आगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेन एरिया है, अच्छा मतलब काफ़ी चौड़ा ट्रैक है, तो आराम से हो जाएगी ट्रैकिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीताराम हो गया, आज ही गए थे नहीं कल गए थे, फिर सीधे गौमुख चले गए। गौमुख से भोजवासा रुके, फिर हाँ लाल बाबा पे रुके। अब 5 बजे चले हैं सुबह वहाँ से चीड़वासा। अभी तो बहुत दूर लाल बाबा, लाल बाबा तो है थोड़ा दूर, 11 किलोमीटर चीड़वासा होगा, 5-6 किलोमीटर और आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सामान लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? खाली जा रहे हो, उधर से लेके आओगे सामान कुछ? अच्छा सवारी लेके आओगे उधर से। हर महादेव, राधे राधे। तो आज है 5वां दिन और अभी हम हैं मयाली में और टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं। तो कल हम गंगोत्री से 12 बजे निकले थे और रात को 10 बजे जो है मयाली में पहुँचे थे, यहीं पर हमने स्टे किया था। यहाँ से केदारनाथ जो है 80-90 किलोमीटर और बचा है, तो आज हम केदारनाथ सोनप्रयाग जाएंगे, सोनप्रयाग वहीं स्टे करेंगे और सुबह जो है हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे केदार बाबा की। ट्रैकिंग जो है कल शुरू करेंगे सुबह, और अभी ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे बाद में। और कल जो है ज़्यादा अपडेट इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि सारा दिन हमारा ड्राइव करने में ही निकल गया, कम से कम 8 से 9 घंटे हम गाड़ी ही चलाते रहे और रात को 10 बजे ही पहुँचे थे यहाँ, तो इस वजह से नहीं बना पाया कोई भी वीडियो। रास्ते में जो है रुद्रप्रयाग भी आएगा अभी, तो वहाँ पर भी थोड़ी देर रुकेंगे, और जो संगम है अलकनंदा और भागीरथी का वो संगम भी हम देखेंगे,
और आपको भी दिखाएंगे। चौंक गए ना आप भी कि कहां केदारनाथ और अभी गाड़ी में बैठा हूं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलिए आपको बताता हूं कि क्यों हमारे केदार बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। तो बात कुछ ऐसी, जब हम केदारनाथ पहुंचे तो हमारे दोस्त की जो एक की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो ट्रैक नहीं कर पाता, तो हमने सोचा क्यों ना हेलीकॉप्टर बुक करा लिया जाए। तो जब हेलीकॉप्टर बुक कराने गए तो वो कहते कि आपको तो 15-20 दिन पहले टिकट बुक करानी पड़ती है, तभी आपको जो टिकट मिलेगी। कि चलो एक की कर दो, किसी तरह एक की हो जाए, हम बाकी पैदल कर लेंगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि हमने 8 घंटे वहां पर बिताए कि किसी तरह एक टिकट हो जाए, बट हमारा बैड लक, टिकट एक भी नहीं हुई। और 8 घंटे बिताने के बाद हमें लगा कि चलो बाबा का नहीं आया होगा अभी बुलावा, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो वही हो रहा था हमारे साथ भी कि दर पे खड़े हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। बट अभी बद्री विशाल बचा है 4 धाम में, उसके दर्शन हम जरूर करेंगे और आप लोगों को भी बद्री विशाल यात्रा जरूर दिखाएंगे। नेक्स्ट मंडे आने वाली है, तो तब तक वेट करिए। और 4 धाम यात्रा में जो है केदारनाथ के दर्शन ना कराने के लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बट अभी कपाट बंद होने से पहले जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे वीडियो और आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो धन्यवाद।